हेलो दोस्तों, आज कुछ हम बात करने वाले हैं वीवो T3 डिवाइस के अंदर आप बैटरी पावर सेव कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में बैटरी पावर सेव कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसे होता है हम अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज करते हैं, या जो हमारा फ़ोन है उसमें हम मूवी देखने लगते हैं, या कहीं पर हमको ट्रेवल करना होता है, तब भी हमको एक टेंशन बन जाता है कि जो हमारा बैटरी है लो हो जाएगा। अगर हम अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तब भी जो हमारा बैटरी है जल्दी से लो हो जाता है, या कोई मूवी देखने लगते हैं तब भी जो हमारा फ़ोन है ज़्यादा देर तक चलता है तो उससे भी हमारा जो बैटरी है जल्दी लो हो जाता है, या कहीं पर ट्रेवल करना होता है तो हमको एक टेंशन बना रहता है जो हमारा बैटरी है डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम उसको चार्ज कैसे करेंगे। दोस्तों, ऐसे टाइम में आपको अपने फ़ोन के अंदर एक छोटा सेटिंग है उसको इनेबल कर लेना है, जो आपका बैटरी है लगभग 50% सेव हो पाएगा। अगर आपका फ़ोन 4 घंटे चलने वाला है तो लगभग वो 8 घंटे तक चल पाएगा। अगर आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो 4 घंटे आपका फ़ोन चलने वाला है तो उसको आप 8 घंटे तक यूज़ कर पाएंगे। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तब भी आप अपने सेटिंग को इनेबल करेंगे तो जो आपका मूवी अगर 3 घंटे चलने वाला है तो उसको आप ज़्यादा देर तक अपने फ़ोन में देख पाएंगे, या जो आपका बैटरी है 50% अगर सेव होगा तो अगर 1 घंटे चलने वाला है तो 2 घंटे तक लगातार आप उसको यूज कर पाएंगे। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा देर तक ट्रेवल करना है तो उसमें भी आपको एक टेंशन रहता है कि हमारा बैटरी है लो होगा। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, उस सेटिंग को इनेबल कर देना है। अगर आपका फ़ोन 4 घंटे चलने वाला है तो 8 घंटे तक चल पाएगा, आप अपने फ़ोन को आसानी से यूज़ कर पाएंगे और अपने सफ़र को आप आसानी से कर पाएंगे, और वहाँ पर आपको चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में बैटरी पावर को सेव कैसे करना है, चलिए अपनी सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है, और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैटरी का ऑप्शन, तो आपको बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैटरी का ऑप्शन है, तो आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपका बैटरी परसेंटेज है यहाँ पे शो हो जाएगा, कितना परसेंटेज जो आपका बैटरी चार्ज है, ये चीज़ यहाँ पे आपको शो होगा। नीचे आपको बैटरी वाले कुछ सेटिंग आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी सेवर का ऑप्शन, तो आपको इस पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे यूज बैटरी सेवर, और उसके आगे में एक छोटा सा बटन है, आपको उसको इनेबल करना है। ये वाले बटन को आपको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे जो आपका फ़ोन है वो डार्क मोड में हो जाएगा, जो आपका फ़ोन है वो तुरंत डार्क मोड में हो जाएगा, और वहाँ पे जो आपका बैटरी है सेव होने लग जाएगा। दोस्तों, जब तक आपके फ़ोन में लाइट कम नहीं होगा तब तक जो आपका बैटरी है वो सेव नहीं हो पाएगा। तो अभी हमारे फ़ोन में जो लाइट है वो हट चुका है, बहुत कम लाइट हो चुका है, यहाँ पे जो हमारा फ़ोन है वो डार्क मोड में आ चुका है। अब यहाँ पे जो आपका बैटरी है 50% सेव हो पाएगा। अगर आपका फ़ोन 4 घंटे चलने वाला है तो उसको आप 8 घंटे तक चला पाएंगे। दोस्तों, जैसे आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करना है तब भी आप अपने फ़ोन में बैटरी सेवर इनेबल करेंगे, जो आपका फ़ोन है वो ज़्यादा देर तक चल पाएगा। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आप वहाँ भी अपने बैटरी सेवर को इनेबल करके अपनी मूवी को ज़्यादा टाइम तक देख सकते हैं, और वहाँ पे जो आपका फ़ोन है वो डार्क मोड में हो जाएगा, लेकिन जो आपका मूवी उसके अंदर आपको डार्क मोड का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो तो जिस कलर का रहेगा उसी कलर में चलता रहेगा, और सिर्फ आपका जो बैटरी वहाँ पर सेव होगा। दोस्तों, इस तरह आप इसको इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है सेट ए शुडल। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे आप चार्जिंग परसेंटेज सेट कर सकते हैं कितने परसेंट पे लो मोड यूज होगा। आप अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे तो जो आपका बैटरी सेवर है वो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में इनेबल होगा। आप वहाँ पे बैटरी परसेंटेज सेट करेंगे तो जो आपका बैटरी सेवर है ऑटोमेटिक इनेबल होगा। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं या अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमको याद नहीं रहता है कि जो हमारा बैटरी है लो हो चुका है, तो ऐसे टाइम में आप अपने फ़ोन में इसको लो मोड यूज़ करेंगे, जो आपका बैटरी परसेंटेज है जैसे लो होकर जितने परसेंट पे आप यूज़ किए हैं उतने पे आएगा, तो ऑटोमेटिक जो आपका बैटरी सेवर है इनेबल हो जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मिलता है वैसे डाउन परसेंटेज, आपको इस पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे चार्जिंग परसेंटेज मैनेज कर देना है। जैसे यहाँ पे 30% पे कर दिए हैं, जब भी हमारा फ़ोन डिस्चार्ज होकर 30% पे आएगा तुरंत जो हमारा बैटरी सेवर है ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, और वहाँ से हमारा जो बैटरी है सेव होने लग जाएगा, और एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा हमको जो हमारा बैटरी है लो हो चुका है। और वहाँ से अपने फ़ोन को आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे या कम यूज़ करेंगे जो आपका बैटरी है ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है टर्न ऑफ व्हेन चार्ज्ड। दोस्तों,
दोस्तों, अगर हमारे फ़ोन में बैटरी सेवर इनेबल है और हम अपने फ़ोन को जैसे चार्जिंग पे लगाएंगे, तुरंत जो हमारा बैटरी सेवर है वहाँ पे ऑफ हो जाएगा। उसको ऑन रखने के लिए आपको ये वाले बटन को इनेबल कर देना है। जब तक आपका फ़ोन 90% चार्ज नहीं हो जाएगा, तब तक जो आपका बैटरी सेवर है वो ऑफ नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने फ़ोन में बैटरी पावर को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में बैटरी पावर सेव करना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।